बहुत शुक्रिया बुलेदी साहब, मेरे भाई जज जादुल हसन साहब, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जजेस हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल, ऑफिस बेयरर्स ऑफ द बार, प्रेसिडेंट एंड ऑफिस बेयरर्स ऑफ द बार, मेंबर्स ऑफ द बार, जुडिशियल ऑफिसर्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे कल इन्होंने जिक्र किया, चीफ जस्टिस साहब ने, कि हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रेनोवेशन किया है और इसका इफ्तिताह करने जाना है, तो मैं यकीनन तैयार हो गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से मेरा इतना ही ताल्लुक है जैसे और आप वकला हजरात का है, कि मैं असल प्रैक्टिस जो मैंने स्टार्ट की वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से स्टार्ट करी। पूरे 2 साल जम के मैंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में काम किया था और मेरा लगाव डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से बेइंतहा है। आज की मैं इमारत देख के बहुत खुश हुआ और कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की अदालतें मैंने देखी हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये देख के बड़ी खुशी हुई कि बलूचिस्तान में, ख़ासतौर क्वेटा में, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की अदालत इतनी बेहतरीन बनाई है। और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ चीफ जस्टिस साहब को, जमाल खान मंदकेल साहब को और उनकी टीम को, कि उन्होंने इतना शानदार काम किया है और आपके लिए इतनी सहूलतें पैदा की हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से मेरा पैगाम है और इंतहाई पैगाम यह है कि वो तंदरुस्ती के साथ अपना काम करें, कानून के साथ दिन ब दिन अपनी आगही बढ़ाएं और इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि जो भी इनके सामने मुकदमा आता है वो मुकदमा इनके पास टर्मिनेट हो जाएगा, आगे वो मुकदमा नहीं जाएगा। एवरी केस विच कम्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, दैट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी डिसाइड, दे शुड नो दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस लिटिगेंट इज नॉट गोइंग टू टेक द मैटर इन हायर फोरम्स। और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, आपके लेवल के ऊपर जितने केसेस आते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, थोड़े बहुत जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कुछ फिर थोड़े लेवल पे थोड़े केसेस जाते हैं हाई कोर्ट में और थोड़े केस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। मेजर केसेस जो हैं वो आपके लेवल पे टर्मिनेट हो जाते हैं, लोग आपकी जजमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए आप लोगों के ऊपर बहुत बहुत वजन है इस बात का कि आप जब अपना फैसला, मुकदमे का फैसला दें वो ऐसा दें जो आप समझें कि ये फाइनल है। आप ये ना सोचें कि आप ऊपर जाके जो भी सही करा लेंगे, ये अगर हमारे हमने कोई गलती की, नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास, आप किसी किस्म की गलती नहीं छोड़ेंगे। आप मुकदमा इस तरह से डिसाइड करेंगे जैसे आप फाइनल अदालत हैं और आप ही के पास ये केस ख़त्म हो जाएगा, और नॉर्मली ऐसा होता है। तो मेरी गुजारिश यही है, वकला बरादरी से भी मेरी गुजारिश यही है जी, वकला बरादरी से भी मेरी गुजारिश यही है कि वो मुकदमे को अच्छी तरह तैयार करके आया करें, साथ में अपने साथ रेफरेंस की बुक्स जो ज़रूरत होती है वो भी लेकर आया करें, ताकि जजेस अपने मुकदमे का फैसला बेहतर से बेहतर मुकदमे कानून की रोशनी में कर सकें। अच्छा, ये क्या है? बिल्डिंग बने अच्छी इनकी जो कावश्री से। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, इस बिल्डिंग के रेनोवेशन के मामले में, तज़ीन और आराइश के बारे में जिन जिन हजरात ने कॉपरेशन किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जुडिशरी के लिए ये काम किया है। इसमें एक्सियन साहब भी हैं, SDO साहब भी हैं, कॉन्ट्रेक्टर साहब भी हैं, इनकी काविशें काबिल सताइश हैं। थैंक यू। तो मेरे यंग लॉयर्स को मेरा पैगाम यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें अपने काम के अंदर, कानून का मुताला करें, कानून की किताबें भी पढ़ें, कानून के साथ और जो ज़रूरी किताबें होती हैं जैसे तारीख की किताबें होती हैं, लिटरेचर की किताबें होती हैं, फलसफे की किताबें होती हैं, उनको ज़रूर पढ़ें, उससे इनका वसी होगा होराइज़न ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर्स, ह्यूमन जो रिलेशन मामलात होते हैं उनको समझने में उनको और आसानी होगी और बेहतर से बेहतर कोर्ट को सपोर्ट कर सकेंगे मुकदमे के फैसले के लिए।
थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत शुक्रिया।